रॉकी पीएलसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लैचिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो हेडिंग दिया गया है, लैचिंग को हम कॉपलिंग भी बोल सकते हैं। तो हम ये पहले समझेंगे लैचिंग का जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हम लैचिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम किस चीज़ को, किसी आउटपुट को हमेशा ऑन करना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं, तो हम लैचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पुश बटन स्विच है, एक मोटर है। हम उसी मोटर को एक पुश बटन स्विच से ऑन करना चाहते हैं। एक ही बार दबाएंगे, दो बार नहीं, मतलब दबा के रखेंगे नहीं, वो स्विच नहीं है कि स्विच ये कर देंगे तो ऑन होता रहेगा। पुश बटन स्विच एक बार प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, वो मोटर चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। उसी चीज़ को हम लैचिंग बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा ये है पुश बटन स्विच है, ये आउटपुट है जो मोटर है, ये मोटर है आउटपुट, ये है हमारा इनपुट जो है पुश बटन, ये वोल्टेज सोर्स है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है ये ऐसे फ्लो होगा, है कि नहीं? जो फ्लो होगा जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाए प्रेस हो जाएगा, तो हमारा करंट फ्लो होकर मोटर ऑन हो गया। जब हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारा फिर ओपन हो जाएगा, तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो हम लैचिंग इसी डायग्राम में जो है लैचिंग जो उसका पीएलसी के अंदर में यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पुश बटन या एक्सटर्नल कुछ चीज़ भी हम लैचिंग नहीं करेंगे। जो इसलिए देखिए, उसका एक सिंपली सा एक बनाते हैं लॉजिक। ये नो कॉन्टैक्ट है हमारा, ये आउटपुट है, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है, ये हमारा रॉन्ग है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको एड्रेस दे देते हैं आई 0.0, ये ओ 0.0, ठीक है। तो ये पुश बटन है, ये हमारा मोटर है। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर चलेगा। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये पहले एनओ था, उसके बाद एनसी हो जाएगा, ये हमारा मोटर चलेगा, ठीक है। जब हम इसको बंद कर देंगे पुश बटन को, तो मोटर भी हमारा ऑफ हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी एड्रेस को हम पैरेलल में इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पैरेलल में एक आई 0.1 के साथ इसी का एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं, ओ 0.0, इसका एड्रेस उठा के यहाँ पे हम दे देंगे। तो अब क्या होगा, यह हम पहले लॉजिक बना देंगे, उसके बाद इसको रन कराएंगे इसके साथ, ठीक है। अब ये है, जो हम इसको प्रेस करेंगे ये तो ऑन हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये आउटपुट ऑन होने के बाद तुरंत ये वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिसकनेक्टेड करते हैं, इस आउटपुट को निकाल देते हैं, तो हमारा अब ये ऑफ नहीं होगा, ये ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई यहाँ से तो पास नहीं होगा, यहाँ से पास हो जाएगा। मैंने आपको पैरेलल में पहले आप लोगों को बता दिया हूँ, पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे सप्लाई पास होगा। तो लैचिंग का मतलब यही होता है। लैचिंग का कॉन्सेप्ट सबसे आपको डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा, लेकिन यही है। हम लोगों को किसी आउटपुट को, एड्रेस को इनपुट के साथ पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे तो उसका लैचिंग हो जाएगा। तो ये अब बंद नहीं होगा, यह बंद नहीं होगा, ये लॉजिक में यह बंद नहीं होगा। उसके लिए हम ऑन लैचिंग करते हैं। ऑन लैचिंग कैसे करते हैं उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑन लैचिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है।
अनलैचिंग मतलब अनहोल्ड, अनहोल्ड हो जाएगा, लैचिंग मतलब होल्डिंग, होल्डिंग करके रहेगा। अब लैचिंग का जो हमारा लॉजिक था बनाते हैं उसका, जिसको हम आई 0.0 लिए थे एड्रेस में, ये ओ 0.0, ये पैरेलल में लिए थे ओ 0.0, इतना चीज हम लैचिंग में कर चुके हैं। उसके बाद अब ये आउटपुट ऑन ऑन तो हो गया, इसको ऑफ कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक एनसी कॉन्टैक्ट लूंगा, सीरीज में एक एनसी कॉन्टैक्ट लूंगा। ये पैरेलल में लिया था लैचिंग के लिए, ऑन लैचिंग के लिए हम सीरीज में एक एनसी कॉन्टैक्ट लूंगा, बस इसको नाम दे देते हैं आई 0.1। ये सेकेंड डिस्क्रिप्शन एड्रेस है इनपुट का, ये पहला एड्रेस है, ये सेकेंड एड्रेस है। तो हम जब ये लैचिंग ऑन होकर रुका था, जब आप आई 0.1 और एक्सटर्नल पुश बटन स्विच है उसको एक बार प्रेस कर देंगे, प्रेस करके छोड़ देंगे, ये एन हो जाएगा, एन होगा उसके ऑन होल्ड, ये होल्डिंग था ऑन होल्ड हो जाएगा, मतलब ऑन लैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मोटर था वो अब बंद हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको आप लोग के लिए लिख देता हूँ आई 0.0, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन स्विच, सेस पुश बटन स्विच नहीं है, ठीक है, आई 0.0 ये स्टॉप पुश बटन, ठीक है, ओ 0.0 ये मोटर, मोटर आउटपुट, ये दोनों इनपुट। तो मैंने यहां पे गलती क्या है, ये जो स्टार्ट पुश बटन स्विच है ये आई 0.0, लेकिन जो स्टॉप पुश बटन स्विच है आई 0.1, ये मतलब 1 होगा। सो मैंने अभी आप लोगों के साथ लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था, चलिए उसका प्रोग्रामिंग पीएलसी लैडर सिमुलेटर जो हमारा ऐप है उसी में बना के दिखा देता हूँ। चलिए पहले प्लस में जाएंगे, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ऐड रॉन्ग लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट कॉइल है इसको हम एड्रेस देंगे ओ 0.0, ठीक है, डिजिटल आउटपुट एड्रेस ओ 0.0, ठीक है, ओके करेंगे। देखिए हमारा आउटपुट एड्रेस है, ये हमारा मोटर, मोटर मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, तो प्लस में जाएंगे, फिर थर्ड ऑप्शन बेसिक में जाएंगे, एक पहला ऑप्शन एनो कॉन्टैक्ट लेंगे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको आई 0.0 एड्रेस दे देते हैं, ओके। इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, देन इसको हम लैचिंग करेंगे। लैचिंग करने के लिए हम लोगों को आउटपुट जो एड्रेस है ओ 0.0 का आउटपुट एड्रेस हम इनपुट में यूज़ करेंगे, जो आई 0.0 का पैरेलल में हम उसको जॉइंट करेंगे। चलिए प्लस में जाएंगे, ऐड सब रंग करेंगे, उसके बाद अभी फिर प्लस में जाएंगे, अभी हम बेसिक में जाएंगे, पहला ऑप्शन एना कॉन्टैक्ट लेंगे, ठीक है, अभी हम इसको एड्रेस ओ 0.0 नाम पे दे देते हैं, ओके। अभी हमारा लैचिंग कंप्लीट, लैचिंग का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है, चलिए उसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थ्री वाला डॉट में जाएंगे, एग्जिट एडिटर करेंगे, त्रिकुना में जाएंगे, देखिए ये वाला हमारा लैचिंग का जो आउटपुट एड्रेस और इनपुट एड्रेस दिया एड्रेस है, जो इनपुट में हम पुश बटन दिया गया है और आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा हम चेक करेंगे। एक बार आई 0.0 को हेल्दी करके अनहेल्दी करेंगे, आई 0.0 को एक बार दबा देते हैं, ठीक है, देखिए ओ 0.0 अभी हमारा आउटपुट ऑन हो रहा है। क्यों ऑन हो रहा है, हम लोग तो आई 0.0 को बंद कर दिए,
क्योंकि ये एड्रेस अब पैरेलल में, देखिए नीचे वाला जो पैरेलल कनेक्शन हुआ है वो 0.0 इनपुट में, वहाँ से सप्लाई पास होके हमारा आउटपुट को सप्लाई मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को वो 0.0 ऑन होके रुका हुआ है। तो इसको हम ऑन लैचिंग कैसे करेंगे? ऑन लैचिंग करने के लिए चलिए प्रोग्राम भी बनाते हैं, लैडर एडिटर फिर करेंगे आप, ठीक है। फिर प्लस में जाएंगे, एक एनसी कॉन्टैक्ट लेंगे, बेसिक थर्ड वाला ऑप्शन बेसिक में जाएंगे, एक एनसी कॉन्टैक्ट सेकेंड वाला ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आई 0.1 उसको स्टॉप का एड्रेस दे देते हैं, जो स्टॉप पुश बटन है आई 0.1 का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। अभी देखिए हमारा प्रोग्रामिंग ऑन लैचिंग का रेडी हो गया है। अभी चलिए रन करके देखते हैं, एग्जिट एडिटर रन। देखिए हमारा अभी आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसको आई 0.1 एक बार स्टॉप पुश बटन दबा के देखते हैं। देखिए हमारा अभी आउटपुट ऑफ हो चुका है, ओ 0.0 आउटपुट ऑफ हो चुका है। तो अभी मैं फिर से एक बार करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। आई 0.0 को एक बार ऑन किए, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है ऑफ कर दिए, ऑन हो रहा है, ठीक है। आई 0.1 जो हमारा स्टॉप पुश बटन है ऑन किए, ऑफ कर दिए, ठीक है। अब हमारा अब 10 क्लास हो चुका है। एक एक क्लास का मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो, हमारा जो 10 क्लास का वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे मैं आप लोगों के साथ जो हमारा टाइमर है, काउंटर है, उसका मैं प्रोग्रामिंग बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।